विवाद के बीच दीपिका पादुकोण का बड़ा बयान। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं दीपिका। क्या मोदी सरकार से नाराज हो गई हैं दीपिका पादुकोण? क्या है दीपिका की राहुल गांधी से जुड़े बयान की सच्चाई? बॉलीवुड फिल्मों पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। आमिर खान से लेकर सैफ अली खान जैसे एक्टर की फिल्मों पर धर्म के अपमान के आरोप लग चुके हैं और अब कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे उनकी फिल्म पठान की रिलीज डेट करीब आ रही है, इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खासकर फिल्म के बेशर्म रंग गाने के रिलीज के बाद से ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा कपड़े पहनकर शाहरुख खान के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए, जिसकी वजह से तमाम बीजेपी नेता जहां फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस नेता खुलकर दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतर गए हैं। इस समर्थन और विरोध के बीच अब दीपिका पादुकोण का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं। दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कांग्रेस समर्थक कलाकारों की कमी नहीं है। स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रश्मि देसाई जैसी तमाम एक्ट्रेसेस हैं, जो खुलकर कांग्रेस का समर्थन ही नहीं करती बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस समर्थक इन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में एक और नाम जोड़ लीजिए, दीपिका पादुकोण का। इन दिनों फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने की वजह से विवादों में फंसी दीपिका पादुकोण का कांग्रेस से प्यार कोई नई बात नहीं है। वो तो खुलकर अपनी इच्छा जता चुकी हैं कि एक दिन वो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं। और उनकी ये इच्छा आज की नहीं है, साल 2010 में ही दीपिका पादुकोण ने बता दिया था कि वो राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं। दरअसल बेशरम रंग गाने में भगवा के अपमान का आरोप झेल रही दीपिका पादुकोण के खिलाफ जहां तमाम हिंदुवादी संगठन और मौलाना जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच दीपिका पादुकोण का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये वीडियो आज का नहीं है, साल 2010 का है, जब देश में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान दीपिका पादुकोण से डीडी न्यूज के एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में दीपिका पादुकोण ने कहा था, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत देखती हूँ टीवी पर, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मेरे हिसाब से वो एक बेहतर उदाहरण है। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है एक दिन वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खासियत के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो यूथ के साथ अच्छे से जुड़ते हैं और उनकी सोच और विचार पारंपरिक भी है, साथ ही भविष्यवादी दृष्टिकोण भी है। देश के लिए ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में दीपिका पादुकोण ने ये बातें साल 2010 में कही थी, लेकिन जब भी उनसे जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। इस बार भी जब फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग की वजह से विरोधियों के निशाने पर वो आई, तो एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखने की ख्वाहिश वाला उनका ये बयान वायरल होने लगा, जिसे खुद कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, आज तक दीपिका पादुकोण की इच्छा पूरी नहीं हो सकी है, क्योंकि जब से दीपिका पादुकोण ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने की इच्छा जताई है, तब से दो बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, साल 2014 और साल 2019 में, और दोनों ही चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस पर नहीं मोदी पर भरोसा जताया है। और अब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या इस बार दीपिका पादुकोण की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।